जीएस सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, पारासराय, धोंदी, लहरपुर रोड, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। डी फार्म, बी फार्म, पीजी डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, पीजी डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। केंद्र में मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने के मौके पर भाजपा का व्यापक स्तर पर कार्यक्रमों के आयोजन का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में बुधवार को महोली ब्लॉक सभागार में कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हरदोई जनपद के MLC अशोक अग्रवाल ने कहा कि 9 वर्ष के कार्यकाल में व्यापारियों के लिए मोदी सरकार ने एक टैक्स GST का काम किया है और श्रेष्ठ भारत के रूप में पहचान दिलाई है। यूपी में योगी के नेतृत्व में कानून व्यवस्था के चलते बाहर के व्यापारियों का 34 लाख करोड़ का व्यापार उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है और व्यापारियों को एक व्यवस्थित प्लेटफॉर्म मिला है। उन्होंने कहा 2024 में राम मंदिर के उद्घाटन के बाद लोकसभा चुनाव में कमल खिलाने की बात कही। उन्होंने एक वोट से सरकार गिराने का जिक्र भी किया। दौरारा सांसद रेखा अरुण वर्मा ने मोदी सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि पिछले 60 सालों में जो कार्य विपक्ष की सरकारें नहीं कर पाई वो नरेंद्र मोदी ने बहुत कम समय में कर दिखाया। धारा 370 हटाकर अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण कराया। सांसद ने कहा हमारा हर एक मंत्री, सांसद, विधायक सभी हर वक्त आपके पास खड़े हैं। आप सभी ने 2014 में साधारण महिला को सफलतापूर्वक जिताकर लोकसभा में पहुंचाया, जिसके बाद पार्टी ने उन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया। 2024 में एक बार फिर मोदी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनेगी, संचालन व्यापार सभा के जिलाध्यक्ष व कार्यक्रम संयोजक मनोज मिश्र ने किया। कार्यक्रम में भाजपा जिलाध्यक्ष अजिन मेहरोत्रा, नैमिष रत्न तिवारी, मिथिलेश यादव, विश्राम सागर राठौर, तरुण शुक्ला, अवधेश वर्मा, महेश अग्रवाल, मनमोहन अवस्थी, अशोक वाजपेयी, राहुल मिश्रा समेत तमाम भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।